के मैदान से सुपर एक्सक्लूसिव जो तस्वीर आ रही है वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। एक्शन में रूसी फाइटर पायलट जो है वो नजर आ रहे हैं। रूसी बॉम्बर्स को सुरक्षा कवच देते हुए तस्वीरें सामने आई। अटैक हेलीकॉप्टर्स की हिफाजत की जिम्मेदारी रूसी एयरफोर्स का, स्पेशल ऑपरेशन जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं। रूसी फाइटर पायलट का मिशन किस तरीके से देखिए एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की हिफाजत की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है और किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। तमाम ये वीडियोस जो जारी किए जा रहे हैं अनुराग, वो जाहिर सी बात है ये दिखाने के लिए कि यूक्रेन का मनोबल किस तरीके से तोड़ा जाए। रशिया एक तरफ सर्दियों के बढ़ते ही ये लगातार दिखा रहा है कि उसके सैनिक किस तरीके से युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं, किस तरीके से हथियार उनके पास है और आने वाले दिन जो है वो यूक्रेन पर किस तरीके से भारी पड़ने वाले हैं। संजय कुलकर्णी साहब हमारे साथ बने हुए लगातार। संजय जी, तरीके से ये वीडियोस लगातार रशिया की तरफ से जारी किए जा रहे हैं, मनोबल को तोड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। अभी तक यूक्रेन जो है अपने मनोबल के बल पर जो है वो डटा हुआ है। सबको लगा था युद्ध 2-3 महीनों के अंदर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 9 महीने से ऊपर का वक्त हो गया सर। तो ये वीडियो जारी करके क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी के तहत मनोबल तोड़ना चाहता है यूक्रेन का कि देखो हमारी तैयारी इतनी हो रखी है, अब समझ जाओ हम किस तरीके से अटैक करने वाले। बिल्कुल श्वेता, अगर आप देखें शुरू से अभी तक जितने भी हम लोगों को विजुअल्स आते थे सारे के सारे पश्चिमी देशों से आते थे। क्या रूस कर रहा है इसके बारे में शायद ज्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती थी, तो जो भी तबाह। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है, कितना एम्युनिशन हर रोज फायर हो रहा है, कितने आदमी मर रहे हैं, अधिक से अधिक जितने भी रिपोर्टें आती है 4 आदमी इधर मरे, 3 उधर मरे, 15 इधर मरे। आप समझ सकते हैं 24,000 आर्टिलरी राउंड पर डे, और जिस प्रकार से आप मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जिस प्रकार से क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल फायर हो रहे हैं, क्या इतने ही आदमी मरेंगे? इसलिए चाहे वो पश्चिमी दिखाना नहीं चाहता होगा कि यूक्रेन की तबाही में क्या हाल है। अब रूस जो है अब धीरे धीरे इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में भी अब माहिर हो रहा है, अब दिखाना चाहता है विश्व को। बिल्कुल सर, अब जो ज़ेलेंस्की और यूक्रेनियन जितने भी सैनिक है, ऐसे हालात में जब यूक्रेन टोटली बैकफुट के ऊपर है, आप देखिए जितने भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए रूस के ऊपर क्या हुआ, रूस और भी तगड़ा उभरा उसमें से। अब अमेरिका चाहता है कि उसके ऊपर एक तरीके से सैंक्शन लगाए जाए तेल के ऊपर और उसकी कीमत के ऊपर, कौन मानेगा? आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रूस अपनी स्ट्रैटेजी को माहिर करता हुआ वेस्टर्न देशों के ऊपर इतना हावी हो रुका है कि यूक्रेन जो है जब तक सिर्फ हौसला अफजाई से काम नहीं चलेगा, हौसला अफजाई से जोश के साथ होश भी होना बहुत जरूरी है। और ऐसे वक्त में आप जब बैकफुट के ऊपर हैं, आप सर्दी देखिए ना, आप अपने विजुअल दिखा रहे हैं और उस विजुअल में आदमी, नॉर्मल आदमी आप समझ सकते हैं कि किस तरह कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, तो उसका गला बैठेगा, उसका सर दुखेगा, तकलीफ होगी, हाथ काम नहीं करेंगे, पांव काम नहीं करेंगे, हड्डियां जो है वो जम जाती है। ऐसे हालात में यूक्रेन जो सैनिक है वो बिल्कुल ही मारा जाएगा और कोई भी मदद करने के लिए नहीं आ रहा। यूक्रेन को आग में और भड़काने के लिए उनको इक्विपमेंट दिया जा रहा है, हथियार दिए जा रहे हैं, एमुनेशन दिया जा रहा है, आप लड़ो। और लड़ कौन रहा है? यूक्रेनियन सैनिक। ऐसे हालात में लड़ सकता है क्या वो? यानी कि रूस जो है वो पूरी तैयारी की है, इसलिए उसने 9 महीने तक युद्ध खींचा, फरवरी में शुरू किया, आज तक उसने इंतजार किया कि सर्दी आने दो, उसके बाद इनको सबक सिखाएंगे, और वो मौका आ गया। अब अगर रूस ये मौका गंवा देता है तो रूस बैकफुट पर जाएगा। लेकिन बात है संजय सर, रूस ये मौका गंवाना नहीं चाहता, इसीलिए रूस की तरफ से देखिए हर तरीके की वो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है कि वो वीडियो भी जारी कर रहा है, उसने बता रखा है कि उसके सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं, इस विंटर वॉर में रूस की जीत होने जा रही है, ये सीधा मैसेज यूक्रेन को दिया जा रहा है रशिया की तरफ से।